चरी को भी देखिए, इसका ऊपर का जो कंध है वो पूरा प्लेन है, लाइन सपाट है और ये हाँप रही है अभी इतना टेम्परेचर में। लेकिन आप देख लो देसी गाय मस्त खड़ी है, कोई टेंशन नहीं और कोई हाँपना उसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ये ठीक ठाक रेजिस्टेंस इसको एटमॉस्फेयर में करते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस बहुत सारे मेरे दर्शक पूछ रहे थे, कोई प्रैक्टिकल दिखाइए जर्सी और देसी के अंदर डिफरेंस क्या है। तो यही स्पेशल डिफरेंस ज़्यादातर देखने में आता है। और इनका अगर आप इसके बॉडी में टच करते हैं तो इसका वाइब्रेशन रेट और शुद्ध देसी गाय का शरीर में दूर से भी आप हाथ रख देते हो तो उनका वाइब्रेशन रेट थोड़ा, उनका रिएक्शन, बॉडी रिएक्शन रेट डिफरेंट रहता है। यानी देसी गाय में एक मक्खी बैठने नहीं देते हैं और जर्सी गाय वाले कुछ भी बैठ जाए, कितना कचड़ा गंदा रहे, उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। यानी उनका कॉन्शियसनेस जर्सी होल्स्टीन फ्रीजियन का नहीं रहता या कम रहता है या 0-0, लेकिन देसी गाय का जो रिएक्शन अगेंस्ट द एनी एक्शन बहुत फास्ट रहता है और वो मुख्य विषय रहता है इनका जो गलकन, यही इसका स्पेशलिटी रहता है।